तो यस रेंज में आज आपको यहाँ पे एक ऐसी बैटरी के बारे में बताने वाला हूँ जो बैटरी मतलब यार आप हैंडसेट अपना हैंडसेट है उसमें यहाँ पे आप यहाँ पे सिंगल चार्ज करोगे और उसमें आपकी बैटरी यहाँ पे 2 से 3 दिन तक और यहाँ पे 1 वीक तक भी चल सकती है। सो फ्रेंड्स यस फ्रेंड्स यहाँ पे ये नई बैटरीज यहाँ पर लॉन्च होने वाली है, मतलब अगर कुछ सालों में शायद से लॉन्च हो सकती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए आज की समझेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पटेल सार्थक, आप देख रहे हैं टेक मोटिवेशन लर्निंग चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ग्राफीन बैटरीज के बारे में। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्राफीन बैटरीज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में हमें यहाँ पे सुन के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्राफीन बैटरीज अभी तक यहाँ पे स्मार्टफोन्स में यूज़ होना स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि यार यहाँ पे इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ है उसकी वजह से यहाँ पे ये स्टार्ट यूज़ होना स्टार्ट नहीं हुई। बट यहाँ पे जो जब ये यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगी तब ये यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज को भी यहाँ पे ये रिप्लेस कर देगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे आप यहाँ पे कब के सुन रहे हो यार ग्राफीन बैटरीज तो उसका मतलब क्या है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्राफीन बैटरीज का मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप समझ लो कि यार ये कंपेयर करते हैं कि यार ग्राफीन बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज यहाँ पे कितनी कैपेबल है। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ तो यार यहाँ पे 60% और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे ये कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज उससे भी ज़्यादा यहाँ पे इसकी कैपेसिटी हाई है, मतलब यार लिथियम आयन बैटरीज से भी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी हाई है ग्राफीन बैटरीज की। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये वर्क कैसे करती है, ग्राफीन बैटरीज वर्क कैसे करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये ग्राफीन बैटरी ये यहाँ पे कंपोजिशन है कार्बन एटम्स का और ये यहाँ पे टाइटली बॉन्ड है यहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पे हनीकॉम जैसा भी मतलब लगता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक यहाँ पे एक यूनिक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे ये एटॉमिक लेयर थिक के यहाँ पे ये एसेंशियल है। यहाँ पे ये ग्राफीन के यहाँ पे 2 डायमेंशनल शीट्स को यूज़ करने की। और फ्रेंड्स यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर ये यहाँ पे प्रोड्यूस करता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज जैसे कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, हाईली फ्लेक्सिबिलिटी, हाईली स्ट्रेंथ, लो वेट। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग। और फ्रेंड्स ये बैटरीज यहाँ पे अलाउ करती है फास्टर चार्जिंग सेल्स को और फ्रेंड्स ये यहाँ पे डिलीवर करते बहुत ही ज़्यादा हाई करंट को। और फ्रेंड्स अभी हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, ये यहाँ पे लिथियम आयन और यहाँ पे एक मतलब ग्राफीन बैटरीज के बीच में कंपैरिजन है, छोटा सा कंपैरिजन है। मतलब यार लिथियम आयन स्टोर करती है यहाँ पे 180 वॉट एनर्जी पर किलोग्राम और फ्रेंड्स इसी जगह पे हम कंपेयर करें यहाँ पे ग्राफीन बैटरीज को तो ये यहाँ पे 1000 वॉट पर किलोग्राम। मतलब फ्रेंड्स आप डिफरेंस सोच सकते हो कि हमें यहाँ पे ग्राफीन बैटरीज यहाँ पे हमारे स्मार्टफोन में आ गई तो मतलब यार कितनी अच्छी यहाँ पे हमें बैटरी लाइफ मिल सकती है, आप सोच सकते हो कितने बेहतर। और फ्रेंड्स यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज है, कुछ जगह में यहाँ पे ग्राफीन बैटरीज अच्छी है बट यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज यहाँ पे सेफर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ग्राफीन बैटरीज सेफर नहीं है, ये भी सेफ है, मतलब यार लिथियम बैटरीज थोड़ी ज़्यादा सेफ है और इसमें यहाँ पे फॉल्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पे इसमें कम है कंपेयर टू ग्राफीन बैटरीज। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये ओवरहीटिंग, ओवरचार्जिंग और यहाँ पे बहुत सारे कॉजेज होते हैं केमिकल इम्बैलेंस की वजह से और उसकी वजह से यहाँ पे फायर को भी हम यहाँ पे कोई यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे अचानक से फट जाता है ऐसा सब यहाँ पे हमने यहाँ पे न्यूज़ सुनी होगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इसी का मतलब यार हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ये सब होता है। एनीवेज सो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्राफीन बैटरी से वो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, फ्लेक्सिबल है और स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्राफीन बैटरीज के इतने सारे एडवांटेजेस है तो यार कंपनीज यहाँ पे ये ग्राफीन बैटरीज को यूज़ क्यों नहीं करती। सो फ्रेंड्स उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है उसकी वजह से। सो फ्रेंड्स यहाँ पे उसका डिसएडवांटेजेस ये है कि यार ये यहाँ पे ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आप सोच रहे हो यार ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें डिसएडवांटेजेस क्या है। सो फ्रेंड्स ये डिसएडवांटेजेस ये है कि यार ये ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो है बट यहाँ पे इसमें बैंड गैप नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पे ये कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। सो फ्रेंड्स ये यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज। सो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपने को समझ में आ गया कि ग्राफीन बैटरीज यहाँ पे हमारे स्मार्टफोन्स में क्यों यूज़ नहीं होती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे यही पेंट। सो फ्रेंड्स फिलहाल इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं आते सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।